अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कारिस्तानिया। मेरा नाम सरखेल है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक पागल हूँ। तो ये सेटिंग आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगी, इसका वजह यह है कि ये मेरा होम ऑफिस है जहाँ मैं रात को बैठे काम करता हूँ और अब मैं इसी में से कुछ टाइम निकाल रहा हूँ ये वीडियोज़ एडिट करने के लिए। तो ज़्यादातर वीडियोज़ अब इसी तरह स्टार्ट हुआ करेंगी बिकॉज़ पिछले 3-4 महीने में कंटेंट ज़रा स्लो हुआ हुआ था, उसकी वजह थी कि बिकॉज आई वॉज रिलाइंग ऑन समवन जो मेरी वीडियो एडिट करता था। अब मेरे पास वो बंदा नहीं है, सो अपनी मदद आपके तहत मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको एडिटिंग क्वालिटी थोड़ी सी नीचे लगे, बट अब मैं क्या करूँगी, ये 3-4 महीने कॉन्टेंट जो आप लोगों को दिखाना भी है। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ठीक है, जैसे है जो है आई पब्लिश इट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी। हम लोगों ने गाड़ी के इलेक्ट्रिकल वर्क किया था, हमने उसका इंटीरियर फिट कर लिया था। डिसअपॉइंट में हुआ था विंडस्क्रीन की फिटिंग से, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहली दफ़ा विंडस्क्रीन सही फिट नहीं की। मेरे 3,000 रुपये तब ज़ाया हुए, उसके जो गोले वो लोग लेकर आए आफ्टर मार्केट वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठे। उसके बाद फिर दोबारा फिटिंग करने के लिए उन्होंने 2 सिलिकॉन्स लेबर नहीं ली उन्होंने दूसरी दफ़ा फिटिंग के लिए, बट सिलिकॉन्स फिर मंगवाई, 2,000 रुपये मेरे फिर उस पर लग गए और उसके बाद भी उन्होंने ठीक फिटिंग नहीं की। और सोने पे सुहागा ये है कि उन्होंने मेरी विंडस्क्रीन एक जगह से क्रैक कर दी है, तो अब मैं वो विंडस्क्रीन तो यूज़ नहीं करने वाला ऑब्वियसली। तो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो चुका हुआ होगा, हम गाड़ी पेंट शेंट कर चुके होंगे, मेरी प्लान तो यह है कि मैं तब विंडस्क्रीन नहीं डलवाऊँगा और वो एक अलग 15,000 रुपये खर्चा जो कि फ़िलहाल तो मैं नहीं करना चाह रहा। खैर, डिसअपॉइंटिंग बातों से आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की बात करते हैं। वीडियो बड़े मज़े की है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें खरीदने वाले हैं प्रोजेक्ट रस्टी के लिए, जो इनमें से कुछ चीज़ें शायद होंगी जो आप लोगों ने इस गाड़ी में लगी पहले नहीं देखी होंगी। तो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड। हम जा रहे हैं बाबर भाई गोदाम में और उसके बाद हम जा रहे हैं नूर भाई के गोदाम में। वीडियो देखो। वापस बाबर भाई के गोदाम में, हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, नोस कट से पंखे उतरवाने थे, कुछ वायरिंग लेनी है, रिट्रैक्टेबल मिरर लेने हैं, ऊपर जाके दिखाता हूँ। हेलो भाई, अभी हम नूर खाने गोदाम आ गए हैं। बाबर भाई से हमने क्या कुछ लिया मैं दिखाता हूँ आपको, सामान पड़ा हुआ है। नूर भाई ने ये कंटेनर मंगवाते हैं, अभी उन्होंने मेरे ख्याल है होंडा सिविक 2002 और 2005 वाले कंटेनर मंगवाए हैं। ये सनरूफ वाली छतें पड़ी हुई हैं इनके पास, ये नोज कट्टें पड़ी हुई हैं सारी, वो बोनट पड़े हुए हैं पीछे, ये अंदर का सारा सामान पड़ा हुआ है, गेयर लीवर वगैरह। और अगर ये 3-2-1 वाला है तो ये हमारे काम का है, ये DSL है, ये 3-2-1 नहीं, 3-2-1 वाला ये वो रिवर होता है जो हम कन्वर्जनों के अंदर यूज़ करते हैं। तो अगर ये मिल जाए तो अच्छा सीन है। ये LCD वाला सारा पड़ा हुआ है पैनल CF का, AC के डब्बे पड़े हुए हैं CF के, ये रिम पड़े हुए हैं किसके, ये किसी बड़ी गाड़ी के हैं, ये CF का ही पड़ा हुआ है। दरवाजे पड़े हुए हैं सारे, रबड़े पड़ी हुई हैं उनकी, ये स्टेयरिंग पड़े हुए हैं, स्टेयरिंग CF का, अगर हमें कोई अच्छा मिल जाए तो हम लेके उसमें लगा लेंगे 97 को। तो ये देख सकते हो लाइट ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है तो इतना नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने ये ख़रीदा, मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ लाइट में, ऊपर सीटें वगैरह पड़ी हैं, हम लोग रिबॉन की सीटें लेने के लिए आए हैं। बताता हूँ क्यों, गोदाम में हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर सीटें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये स्पार्को वाली हैं शायद, सीट्स अच्छी हैं, रिबॉन वाली हैं, ये रिबॉन का सारा सामान पड़ा हुआ है, दरवाजे, बम्पर, सीटें, वो डैशबोर्ड पड़ा हुआ है, वो देखो अंदर रिबॉन के दरवाजे और डिग्गियाँ पड़ी हुई हैं। ये नूर भाई हैं, नूर भाई सामान लेना हो आपसे नंबर ज़रा बता दो अपना, मैंने गोदाम का लोगों को टूर दे दिया। 0321-421-4022। और कौन कौन सी गाड़ी का सामान है आपके पास? रिबॉन का, रिबॉन का नीचे मैंने वैसे CF कटे हुए देखी हैं। ये CF की सनरूफ वाली कटी हुई छत कितने की है मुकम्मल छत? 80,000 का, बस ठीक हो गया।
आप लोगों को मैं अंदर भी दिखाता हूँ। रिबॉन के दरवाजे पड़े हुए हैं, ये नोसकटें पड़ी हुई हैं, ये गालिबन रिबॉन की नोसकट है, ये सीटें आप देख सकते हो। सो बेसिकली हसीब अपनी रिबॉन की सीट जो है वो जैपनीज लगवा रहा है और उसकी पुरानी सीट्स मैं ख़रीद रहा हूँ उससे, तो इसलिए हम नूर भाई के पास इस वक्त आए हैं। ये देखो ये छतें पड़ी हुई हैं, वो रिबॉन के दरवाजे पड़े हुए हैं। गोदाम आपने देख लिया, बात करते हैं कि मैं क्या लेने के लिए आया था। तो पहले तो मुझे ये अपने पंखे चाहिए थे, ये रेडिएटर का पंखा है, ये कंडेंसर का पंखा, और इसके साथ एक अदद वायरिंग आप देख रहे हो लगी हुई है। ये नोसकट की वायरिंग जो आप लोगों ने मुझे करते हुए देखा था उसमें से ये वाला ग्रिप कटा हुआ था क्योंकि ये इसके साथ लगा हुआ था, तो बजाय मैंने जोड़ लगाने के मैंने सोचा कि मैं ये पंखे ही ले लूँ क्योंकि ये वाला पंखा मेरी गाड़ी में किसी और गाड़ी का लगा हुआ है, ओरिजिनल नहीं लगा हुआ, और ये वाला जो है इसको जोड़ लगे हुए थे ग्रिप को, तो ये चेंज कर लिए। इसके अलावा ये रिट्रैक्टेबल मिरर लिए मैंने सिविक के लिए, ऑब्वियसली ये पेंट होने हैं अभी खुल के, बट ये रिट्रैक्शन वाले हैं दोनों, तो ये लिए हैं, और कुछ छोटे मोटे वायरिंग का सामान लिया अपनी गाड़ी को जर्नल करने के लिए। ये हो गया, सीटें लेनी है फ़िलहाल। ऑलराइट बॉयज़, सो ये लोग जो हैं ये अंदर सीटें निकाल रहे हैं और मैं जो फिलहाल लेट गया हूँ पक्के दीवार थल्ले, और बस अब सामान जो है वो लेके जाना है लालगंज से, जाके सीवी गाड़ी में सीटें फिट कराएंगे नई वाली, और अपनी गाड़ी में फिट करेंगे पता नहीं कब, आज तो नहीं होने वाली, तो थक गया हूँ मैं। ओके बाय बॉयज, सीट्स आ गई हैं, रिबॉन की जो अपनी सीट्स हैं जो इसमें थी वो निकालनी है, वे जापानीज़ वाली फ़िट करने लगे हैं। इसमें जो डिफरेंस आता है जो पाकिस्तान मॉडल की हैं उसमें सीट बेल्ट लगती है यहाँ पे, ये जगह जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन जापानीज़ के अंदर जो है वो ये जगह मौजूद नहीं होती। दिखाना भाई, उल्टा करके दिखाओ ज़रा उसको, तो ये देख रहे हो ये जगह मौजूद नहीं है, तो इसमें फिर हम इस जगह पर जहाँ पर हमारा बोल्ट लगना है सीट का, यहाँ पे हम लोग ये इसमें लग जाए लगाएंगे। करो अभी फिट करो इसको, रखो अंदर, वो जापान सीट वाले से लिखे हैं। नहीं ये नूर खान से लिया है, जापान सीट वाले को यही देता है सामान। चलो भाई बस इतना काम था सीटें फिट करना, ये हो गई हैं। बॉयज़ प्रोजेक्ट सिविक फाइनली हमारा पेंट आ गया जो लगना है, ये आप देख सकते हो, ये जो है ये लैंड क्रूज़र वाला है 070 पर्ल वाइट, इसकी पर्ल अंदर पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पड़ी हुई है इसकी पर्ल, और ये इसका पड़ा हुआ है हार्डनर, बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं, वो बेस कोट की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी हम लोग गाड़ी को पेंट मारने लगे हैं उन जगहों पे जिन जगहों ने कवर हो जाना है, जैसे कि ये क्योंकि इसने कवर हो जाना है, ये जगह क्योंकि यहाँ पे हमारे हैंडल लग जाना है, नीचे क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रिप लग जानी है, तो इन सब जगहों को हम लोग पेंट मार रहे हैं ताकि हम लोग अपनी गाड़ी के ऊपर ये सब कुछ फिट करने के बाद पेंट के लिए लेकर जाएँ। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं गाड़ी को पेंट बूथ से पेंट करवा के ज़बरदस्त सा तो मैं वर्कशॉप पे लेकर आऊँ, क्योंकि वर्कशॉप पे लाने का मतलब है कि स्क्रैच लगने ही लगने हैं। सो ये प्लान है फ़िलहाल कि जिन जिन जगहों पे हम लोगों ने फ़िटिंग करनी है कुछ चीज़ों की वहाँ पे हम लोग पेंट मार दें अपना, ताकि बाद में हमारे लिए ये मसला ना बने। आज मौसम जो है वो फिर बारिश वाला ही है, मुझे पता है कि ये प्रेफर्ड नहीं है मौसम इस काम के लिए, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ, ये गाड़ी पिछले को तकरीबन एक साल पुराने वाला है स्टार्ट किए हुए, तो मैं इसे अब ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वट एवर द केस इज़ इसको बस अब ख़त्म करने वाला। आई थिंक हम लोग जो थिनर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रा थोड़ा फास्ट ड्राइंग एक्शन वाला है, तो ये हो जाएगा ड्राई इस मौसम में भी, आई थिंक ये तो अब तक हो ही चुका होगा ड्राई।
बॉयज आगे के बम्पर की फिटिंग, बम्पर और ग्रिल की फिटिंग। हमारी ये तार, ये वाली तार जो है ये ख़राब थी तो ये भी चेंज कर दी है। बस अब बम्पर की फिटिंग करनी है। ये ग्रिल जो हम लोगों ने ली है ज़रा फैंसी वाली है, इसकी फिटिंग करते में थोड़ा सा मसला आएगा इस ग्रिल की। सो ये जो ग्रिल है ये फैंसी वाली है, अब मुझे नहीं पता कि ये लग के कैसी होगी, बट ये फिट कर रहे हैं हम लोग। तकरीबन शाम हो गई है और हम लगे हैं अभी तक, अपने अपने हॉर्न्स चेंज किए हैं क्योंकि जो पुराने हॉर्न्स थे वो कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेश सीगर के हॉर्न चैना, ये लगा देंगे इसको और बस फिर इंशाल्लाह और कुछ देर में हमारा वायरिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो वायरिंग आप लोगों ने देखी थी, हम लोग बना रहे थे बैठ के, ये सारे जो हम लोगों ने इसके लगाए थे ये हमारे काम आ गया। जो दो तीन ग्रिप्स मिसिंग थे मेरे, मैं वो भी ले आया था जो कटे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो यम पम हो रहा है बेहतरीन। बस इंशाल्लाह अब थोड़ी देर के अंदर जो है और हमारा हो जाएगी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम वापस अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। दरवाज़ों के हैंडल्स लग गए हैं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर की सीट बेल्ट्स लग गई हैं, अभी अंदर काम चल रहा है बट वो थोड़ी देर तक अभी रेंटर दोबारा रिज्यूम करेगा क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों की वायरिंग कुछ मसले मसाइल थे जो हम लोग हल कर रहे हैं। तो होपफुली थोड़ी देर में और इंशाल्लाह जो है हमारा ये मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे और फिर हम लोग एटलीस्ट इस कंडीशन में होंगे कि हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर सकेंगे। यहाँ का है, कहाँ का है ये पीस, अभी ये इस तरह की चीज़ें भी घुमाई हुई हैं लोगों ने, ये भी ढूँढनी है कि किधर गई हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज की पेस ठीक जा रही है हमारी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।